Today I'm going to give you one more idea from Jan to Aprilist cue card along with the vocabulary and idioms. If you want to know about cue card along with the best idea, watch this video till the end. First of all, look at the statement. Describe someone you really like to spend time with. Means koi person dasna jide nu tusi time spend karna pasand karde ha. You really like to spend, to clear ho gaya ki apa present vich bolna va. Sub point se deh gaya, who this person is, means o person kon hai, how you know him or her, o person tusi kive jande ha, what you usually do together, tusi ikatthe usually ki karde ha, and explain why you like to spend time with him or her, tusi ohde naal time spend karna kyon pasand karde ha. First of all apa जनरल लाइन देखेंगे, देन अपना क्यू कार्ड. फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम अ सोशल बटरफ्लाई पर्सन बाय नेचर. मैं कहता भी जो क्लीयरली दसा, फ्रेंकली का मतलब होंगे क्लीयरली, मैं एक सोशल बटरफ्लाई पर्सन हाँ. सोशल बटरफ्लाई का मीनिंग होंगे वा एक्सट्रोवर्ट, मीनस जेड़े पर्सन दूसर मिलन का बहुत ही शौक हो. द पर्सन हु इज़ अ फॉन्ड ऑफ मीटिंग अदरस इज कॉल्ड अ सोशल बटरफ्लाई पर्सन बाय नेचर. देयर फोर आई प्रेफर टू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम विद पीपल, इसलिए मैं स्पेंड करना पसंद करती हूँ अपना मोस्ट ऑफ टाइम विद पीपल. वैन एवर आई गेट ए चांस आई नैवर मिस द बोट. जो भी मैं मौका मिलता वा मैं चांस नहीं मिस करती, नैवर मिस द बोट. मिस द बोट एक ईडियम आ जिदा मीनिंग होंगे वही कोई चांस मिस नहीं करना. नैवर लगाया इतों क्लीयर होगी कि मैं कदम चांस मिस नहीं कर देगी. एंड हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन विद होम I indeed like to kill my most of valuable time. Means कहता है इतने मैं एक person बारे explain करने लगी हूँ, एक particular person बारे with whom means जिधे नाल मैं सच विच indeed इन दवा really like to kill my most of time. Kill the time एक idiom है जिधा meaning हुन दवा भी spend करना पसंद कर दिया time. Kill my most of time. Whose name is गुरविंदर कौर, उन्होंने नाम की गुरविंदर कौर है. शी इज़ माई ग्रैंड मदर, ये मेरी ग्रैंड मदर ने. ऑल दो शी इज़ अ 60 ईयर्स ओल्ड, भावें वो 60 ईयर्स ए ओल्ड आ, फिर भी इतने बट की जगह मैं कॉमा लगाता. शी इज़ फुल ऑफ बीन्स. फुल ऑफ बीन्स मीन्स एनर्जेटिक है. फुल ऑफ बीन्स भी एक ईडियम, इतने तक अपना 3 ईडियम्स कर लिया. फुल ऑफ बीन्स मीन्स बहुत ही एनर्जेटिक हो. आई नो हर Since my birth, मैं उन्होंने जान दी अपने बर्थ तो, as well as I have a remarkable childhood, नाल ही मेरी उन्होंने रिमार्केबल चाइल्डहुड memories with her, मैं कहता भी नाल ही मेरी उन्होंने childhood memories भी है. As far as activities are concerned, जिस तक activities की गल है, I prefer to pursue yoga and other exercises with her firstly. मैं सब तो पहला था मैं उन्होंने योगा या कोई और exercises जिनका prefer कर दी उन्होंने करना. Because she has a great knowledge regarding this, क्योंकि उन्हें को इस बारे बहुत नॉलेज है. एंड तुम होर भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि असी पार्क में जाने विच इज सिचुएटेड, स्टोन थ्रो माई होम, स्टोन थ्रो अवे का मतलब होंगे वा कीडियम आ जिदा मीनिंग होंगे वा कि मेरे घर के नेड़े आ, इदा तुम होर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सैकेंड मैं दसा भी होर मैं की करना पसंद करती हूँ. सैकेंडली आई गिव अ प्रेफरेंस टू लर्न कुकिंग फ्रॉम हर बाई डेंट ऑफ परफाउंड नॉलेज रिलेटेड टू कलीनरी स्किल्स. सैकेंडली मैं प्रेफर करती हूँ, प्रेफर नूं आपां लिख सकते हैं गिव अ प्रेफरेंस, उन्होंने प्रेफरेंस देनी है कुकिंग सीखने तो अपनी ग्रैंड मदर को. क्यों? बाय डिंट ऑफ का मतलब होंगे बिकॉज ऑफ. परफाउंड नॉलेज, परफाउंड का मतलब उन्होंने को डूंगी नॉलेज है, डीप नॉलेज है रिलेटेड टू कलीनरी स्किल्स. कलीनरी स्किल्स मीन्स कुकिंग रिगार्डिंग स्किल्स. वैन एवर एनी काइंड ऑफ फूड इज प्रपेयर बाय हर एट माई होम, जो भी कोई फूड उन्होंने द्वारा बनाया जाता मेरे घर में, फैमिली मैंबरस All family members get ready to taste this. सारे मेरे family members है वो ready ही रहते हैं food नू taste करने के लिए. क्यों रहते हैं? On owing to delectable taste. Delectable taste का मतलब बहुत ही tasty food होने करके सारे family members मेरे यहाँ वो ready ही रहते हैं. Apart from this, इस तो अलावा she is also down to earth person. Down to earth भी एक idiom है जिसका meaning होता है बहुत ही down to earth means humble person. Due to this, all neighbors of my locality, means मेरे neighbors या locality दे, prefer कर दे, spend time with my grandmother in order to learn moral values. Moral values नू सिखन दे करके मेरी grandmother नाल time spend करना पसंद कर दिया मेरी locality दे लोग भी. When it comes to taking any type of resolution of any obstacle, जदों भी कोई
ਰੀਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੀਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਓਬਸਟੈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਅ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਟੂ ਅਬਟੇਨ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਹਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੋਮ ਹਰ, ਵਿਚ ਪ੍ਰੂਵਸ ਲਿਊਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੋਰ ਮਾਈ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਮਤਲਬ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਿਊਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੀਨਸ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਮਾਈ ਇਸ਼ੂ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫੈਲੋ, ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਦਿਸ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਹਰ, ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਡਿੰਟ ਆਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵੀ, ਅਨੋਇੰਗ ਟੂ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਥਰੂ ਕਮੈਂਟਸ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਥੈਂਕਸ।